गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो हमको ज्ञात क्या करना है? त्रिघात बहुपद। तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। माना कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है तथा इसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हैं। और ये जो दिया हुआ कि शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल प्रश्न में दिया हुआ है, तो लिख सकते प्रश्न से पहला क्या दिया, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दे दिया 2। ये शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 / 1 बराबर हो जाएगा -b/a। अब देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि 2 के बराबर ये है कि नहीं, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, तो कितना 2 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ठीक है, अब देखिए फिर दिया दो शून्यकों के गुणनफल का योग, तो यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया कितना, फिर -7। कितना दिया? -7। -7 को कैसे लिख सकते? -7/1 लिख सकते। और इस क्योंकि दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ तक एक बार देखिए, अब देखिए फिर दिया कि शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया कितना, -14। और -14 को हम कैसे लिख सकते, -14/1, तो -14 हो ही जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है -d/a, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -d/a। अब देखिए ये जो फॉर्मूला पर सेट किए -b/a, c/a, d/a, अगर देखिए यदि a बराबर देखिए a के सामने क्या आया, 1, a बराबर 1, b के सामने देखिए ये माइनस कटेगा तो एक बचेगा माइनस का, तो b बराबर हो जाएगा -2। सी को देखिए, सी का तुलना कीजिए, सी के सामने कितना, -7, सी बराबर हो गया कितना, -7। और फिर डी के सामने देखिए ये माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस कटेगा, तो कितना होगा, d/14। जब हमारा ए और बी सी और डी सबका मान निकल गया, तो जो माने हैं त्रिघात बहुपद, इसमें मान को पुट कर देना है, लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद बराबर क्या है? लिखे ax³ प्लस bx² प्लस cx + d, यही होता है।
अब देखिए a का मान एक है तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस b का मान, देखिए b का मान क्या माइनस का है, माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। c का मान देखिए माइनस भी है यहाँ पर तो माइनस क्या था 7x, और प्लस d का मान देखिए 14। यही आपका आपका त्रिघात बहुपद हुआ, यही यही आपका आंसर भी हुआ। इस प्रकार से लिख सकते आंसर ANS। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।